हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज थर्ड पार्ट और इस पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें भारत को स्थान मिला है 127 देशों में से 105th रैंक पर भारत को रखा गया है, जिसके साथ भारत को डाला गया है सीरियस कैटेगरी में। इंडिया इज अमंग 42 कंट्रीज दैट फॉल विद इन द सीरियस कैटेगरी। कौन से और देशों के साथ? अलॉन्ग साइड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर हम सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग नेशंस देखें तो देखिए, बेलारूस टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय बॉस्निया ऑन सेकंड एंड चिले ऑन द थर्ड। भारत का स्थान आपको याद रखना है 105। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे, और जो 2024 का वर्ल्ड फूड डे था उसकी थीम क्या है? राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन 1979 टू कोमेमोरेट इट्स फाउंडिंग इन 1945। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें, SDG नंबर 2, जो बात करता है जीरो हंगर के, जीरो हंगर बाय 2030। वर्ल्ड फूड डे कब हो जाएगा? 16 अक्टूबर। उसके बाद 17 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन एवरी ईयर 17 अक्टूबर। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट एक्टिंग टूगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, डिक्लेयर्ड ऑन 22 दिसंबर 1992 बाय UN जनरल असेंबली। और SDG नंबर 1 बात करता है जीरो पॉवर्टी की। SDG नंबर 2 हमने अभी देखा जीरो हंगर, एंड SDG नंबर 1 जीरो पॉवर्टी। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 5 नवंबर से हमारे HP पुलिस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में बैचेस शुरू हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमारी लाइब्रेरी फैसिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं, स्पेशल डाउट सेशंस रखे जाएंगे, टेस्ट सीरीज आर देयर, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट भी हम हमारी तरफ से मिलेंगे अलग से, और वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको ग्राउंड फैसिलिटीज़ भी हमारी तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, हमारा फ्रेश बैच शुरू हो रहा है 5 नवंबर से, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा रिविजन बैच जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। अगली न्यूज़ है हमारे पास नोबेल प्राइजेस। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे और कुछ नोबेल प्राइजेस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इस वर्ष 3 लोगों को दिया गया नोबेल पुरस्कार। कौन कौन से 3 लोग रहेंगे हमारे पास? सबसे पहले है डेरन एसिमोग्लो, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। इन 3 लोगों को दिया गया इस वर्ष का नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। किस लिए? द 3 इकोनॉमिस्ट हैव डेमोंस्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशन फॉर अ कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। द इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज, फॉर्मली नोन एज द बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। आपको बस नेम याद रखना है कि कौन कौन से 3 लोग थे जिनको दिया गया इस वर्ष का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हम नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं, और इस वर्ष का नोबेल पीस प्राइज शांति पुरस्कार दिया गया एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहान हिदन क्यो को। निहान हिदन क्यो इज द ओनली नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन अ बॉम्ब सर्वाइवर्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, उनका एक ग्रुप है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ग्रुप को दिया गया इस वर्ष का नोबेल पीस प्राइस। आगे चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्रेश यूटी जम्मू कश्मीर। उमर अब्दुल्ला स्वॉन इन एज न्यू CM। उमर अब्दुल्ला J&K के नए CM के रूप में उन्होंने शपथ ली, J&K जो कि हमारा न्यू UT है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला वॉज स्वॉन इन एज J&K's न्यू चीफ मिनिस्टर एंड सुरेंद्र कुमार चौधरी एज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ओथ इनको किसने दिलवाई? इन्हें ओथ दिलवाई वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर में। इट इज़ सेकेंड टर्म फॉर मिस्टर अब्दुल्ला एज चीफ मिनिस्टर आफ्टर 2009। 2009 की हम बात करें, उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे, बट तब J&K एक राज्य होता था। UT के रूप में पहली बार है कि वहाँ पर कोई CM बने हैं, और वो बने हैं उमर अब्दुल्ला।
दिस डे कम्स अ डे आफ्टर द सेंटर रिवोक्ड प्रेजिडेंट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर. प्रेजिडेंट्स रूल कौन से आर्टिकल में मैंशनड है? प्रेजिडेंट रूल मैंशनड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 356 में. और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा में भी इलेक्शंस हो रहे थे स्टेट असेंबली, और वहाँ पर बीजेपी ने अपना जो टर्म है अगेन जीती है, और वहाँ पर नायब सिंह सैनी बने हैं दोबारा से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर. हमने यहाँ लिखा है स्टार्टेड हिज सेकंड कंजेक्यूटिव टर्म. इससे पहले भी वही वहाँ के सीएम थे और दोबारा से वही बने हैं हरियाणा के सीएम. कौन सी पार्टी से संबंधित? बीजेपी पार्टी से संबंधित. अगली न्यूज़ है हमारे पास 23rd मीटिंग ऑफ SCO. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स आजकल चर्चा में चल रही हैं. इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, जो इस मीटिंग में हमारी तरफ से हिस्सा ले रहे थे. द SCO इज अ 10 मेंबर नेशन फॉर सिक्योरिटी एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन डायलॉग्स. 10 मेंबर्स के अगर हम इसमें बात करें, जल्दी से देखें तो देखिए, चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड बेलारूस आर इट्स परमानेंट मेंबर्स ऑफ द SCO विच ऑल्सो हैज 16 अदर कंट्रीज एफिलिएटेड. तो टोटल परमानेंट मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 10 परमानेंट मेंबर्स हो जाएंगे. और इंडिया और पाकिस्तान के अगर मैं टू बी पर्टिकुलर बात करूँ, बहुत ही रिसेंटली उन्होंने SCO को ज्वाइन किया है. कब ज्वाइन किया है दोनों देशों ने? 2017 में ही ज्वाइन किया है. उसके बाद के एग्जाम्स में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया था कि कब भारत ने इसमें ज्वाइन किया है, इन 2017. आगे लिखा है फाउंडेड इन 2001, जो SCO है उसकी स्थापना 2001 में हुई बाय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान. ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो रशियन एंड चाइनीज. और वही लिखा हुआ है कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली इसका हिस्सा बने थे. नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, बिहार टू एस्टेब्लिश सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर. बिहार के कैमूर क्षेत्र में होगा वहाँ का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित. पिछले वर्ष भी हमने कुछ ऐसी ही न्यूज़ पढ़ी थी, दोबारा से उस न्यूज़ को, उस टाइगर रिजर्व को प्रॉपर अप्रूवल दिया गया सेंटर की तरफ से, इसीलिए ये फिर से चर्चा में आया. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट. अगर हम मैप पर देखें तो देखिए, ऑलरेडी वहाँ पर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क विच इज़ अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो. और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरफ को, इस क्षेत्र में, कैमूर एरिया में, यहाँ पर वहाँ का सेकंड जो टाइगर रिजर्व है उसके लिए गवर्नमेंट ने फिलहाल अप्रूवल दिया. द डिसीजन फॉलोज अ प्रपोजल फ्रॉम द बिहार गवर्नमेंट टू डेवलप द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन टू अ टाइगर रिजर्व. और जैसे कि हमने बात की कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ ओनली टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट बिहार हैव. आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास स्पोर्ट्स सेक्शन से. इंडियन मेंस टीम सिक्योर्स ब्रॉन्ज एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप. अगर हम एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो 2024 की हो रही है कजाकिस्तान के अस्ताना में, और वहाँ पर इंडिया की मेंस टीम है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. इससे पहले भी 2021 और 2023 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल ही इस कैटेगरी में जीता था, और 2024 में भी उन्होंने कौन सा खिताब जीता है, कौन सा मेडल जीता है, तो हमारा आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल. आगे देखिए, बहुत फेमस टेनिस के प्लेयर हैं राफेल नडाल, जिन्होंने रिसेंटली अपने स्पोर्ट से रिटायरमेंट की घोषणा की, इन्होंने संन्यास की घोषणा की. ही रिटायर्स फ्रॉम द टेनिस एट द एज ऑफ 38 एंड विल मेक हिज फाइनल अपीयरेंस फॉर स्पेन एट नवंबर्स डेविस कप फाइनल्स इन मलागा. तो इनका जो फाइनल टूर्नामेंट, या मैं कहूँ फाइनल जो ट्रॉफी ये खेलने वाले हैं, वो होगा डेविस कप नवंबर के महीने में, और इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की. अपने जीवन काल में अगर हम बात करें तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स जीते हैं एंड अ रिकॉर्ड ऑफ 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स. इज अ वेरी वेरी फेमस टेनिस प्लेयर. आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के तो लोकल मिनिस्टर हम कहेंगे, वैसे भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ 77th सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी. JP नड्डा को WHO दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र समिति के 77 सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया. ये जो 77th सेशन है, ये हो रहा है अक्टूबर 7th से अक्टूबर 9th तक. और जैसे कि मैंने कहा, भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, इंडियाज हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन इलेक्टेड एज इट्स चेयरपर्सन. द कमेटी शेप्स WHO's हेल्थ पॉलिसीज इन द रीजन. नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास हो जाएगी, डॉक्टर एस सोमनाथ चेयरमैन ऑफ इसरो. और ये चर्चा में इसलिए आए क्योंकि रिसेंटली इनको
अवार्ड किया गया, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हें दिया गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर हिज रिमार्केबल सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। और ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पर, वो होगी मिलान इटली में। नाम आपको याद रखना है, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी को इस पुरस्कार से किया जा रहा है सम्मानित। आगे चलते हैं, आप देखते हैं आज की वीडियो से कितने क्वेश्चंस रहे आपको याद। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द अबव गिवन बिलो गिवन नेम्स रिसीव्ड द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2024। यानी कि जितने नाम हमारे पास दिए गए हैं इनमें से 2024 का इकोनॉमिक्स के लिए नोबल प्राइज किसने जीता, और दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों लोगों को 2024 के नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब मनाया जाता है, और दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर हमारा रहेगा 17th ऑफ अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पॉवर्टी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबेल पीस प्राइज वॉज अवार्डेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश की संस्था को प्रदान किया गया। और हमने पढ़ा था कि जो हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब सर्वाइवर्स का ग्रुप है, कहाँ के हैं वो, जापान के हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से 2024 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैमू टाइगर रिजर्व इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन विच स्टेट, कैमू टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थापित होने वाला है। ऑप्शंस में से हमारा सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से ऑप्शन नंबर बी बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद कैमू टाइगर रिजर्व इज गोइंग टू बी द सेकेंड। आगे देखिए, अगला प्रश्न रहेगा हमारे लिए, द 23rd मीटिंग ऑफ SCO took place in which country? SCO की 23वीं बैठक कौन से देश में हो रही है एट प्रेजेंट, और दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे 95th, 100, 105th या फिर 110। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। याद रखना है आपने 5th ऑफ नवंबर से हमारा पुलिस के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में बैच हो रहा है स्टार्ट। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में।